हेलो एवरीवन, जब हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण के, तो महिला सशक्तिकरण विभिन्न पक्षों की बात करता है, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक और यहां पर देखा जाए तो अन्य स्थितियों में होता है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा संविधान में एक नए संशोधन के माध्यम से संसद के पटल पर देखा जाए तो महिला आरक्षण बिल को प्रस्तुत किया गया, लेकिन महिला आरक्षण बिल अपने आप में ये आधा अधूरा लगता है। इसके पीछे यहां पर देखा जाए तो आपको ओबीसी वर्ग और दलित वर्ग में आने वाले महिलाओं को आरक्षण नहीं देने का प्रावधान है। साथ ही साथ देखा जाए तो इसे 2024 के चुनाव में यहां पे लागू भी नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थितियों को लेकर के इस महिला आरक्षण बिल को यहां पे समझना जरूरी है कि क्या क्या यहां पे प्रावधान किए गए हैं, क्या यहां पर आपको परिवर्तन लेकर आए गए हैं, किस तरीके से यह महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाएगा और क्या नई जो चीजें हैं जो या कह सकते हैं कि आधा अधूरा क्यों लग रहा है, इन पक्षों को भी समझना जरूरी है। तो चलिए यहां पे सबसे पहले आइए जानते हैं महिला आरक्षण बिल को लेकर इससे पूर्व कब कब प्रयास यहां पर किए गए। देखा जाए तो सरकार के द्वारा हाल ही में जो महिला आरक्षण बिल यहां पे प्रस्तुत किया गया है, ऐसा नहीं है पहली बार है। इससे पहले भी अगर हम देखें महिला आरक्षण बिल को लेकर कई प्रयास किए जा चुके हैं। संविधान में संशोधन करके संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के सीटों को आरक्षित करने के प्रयासों के तहत 1996, 1998, 1999 और 2008 में देखा जाए अब तक यहां पर बिल पेश किए जा चुके हैं। पहले जो तीन बिल थे वो यहां पर लोकसभाओं में यहां पर आने के साथ ही आपको क्योंकि लोकसभा भंग हो गई तो बिल लोकसभा में जितने भी बिल लाए जाते हैं वो अपने आप लैप्स हो जाते हैं। जबकि 2008 का जो यहां पर बिल लाया गया था वो राज्यसभा में पेश हुआ, पारित हुआ, लेकिन 15वीं लोकसभा के भंग होने के साथ ही वहां पर भी ये लैप्स हो गया था। और इस समय देखा जाए तो एक बार फिर से यहां पर लोकसभा जो चुनाव है वो भी एक बार फिर से आपको देखा जाए नजदीक आ रहे हैं और ऐसी स्थिति में यह बिल प्रस्तुत किया गया है। हाल ही में देखा जाए तो लोकसभा से यह बिल पास भी हो गया है, अब राज्यसभा में यहां पर इसे जाना है और उसके बाद राष्ट्रपति के यहां पर साइन होने, जिसके बाद ये एक विधेयक के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन अगर उससे पहले आपको देखा जाए ये विधेयक यहां पर आपको लोकसभा भंग हो जाती है तो एक बार फिर से यह लैप्स हो सकता है। चलिए बात करते हैं हाल ही में जो लाया गया ये विधेयक है और इसके संबंध में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं, सबसे पहले 19 सितंबर 2023 को देख सकते हैं यहां पर जब संविधान में 128वें संशोधन बिल लोकसभा में यहां पर पेश किया गया। बिल में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कुल सीटों को एक तिहाई सीटें यहां पे आरक्षित करने का प्रावधान है, यानी कि अगर 100 सीटें हैं तो 100 में से 33 सीटें जो होंगी वो आपको आरक्षित हो जाएंगी महिलाओं के लिए। इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इस बिल की यहां पर क्या क्या प्रावधान किए गए, क्या मुख्य विशेषताएं हैं, उनमें ध्यान देते हैं। पहला, इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई है। कैसे? तो बिल में कहा गया कि लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए सभी सीटों में देखा जाए तो एक तिहाई सीटें आरक्षित की गई हैं, या लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगी, अर्थात SC ST जो एरियाज यहां पर होते हैं वहां पर भी महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होंगी। आरक्षण की शुरुआत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो बिल के लागू होने के बाद होने वाली जनगणना के प्रकाशन के बाद यह आरक्षण प्रभावी होगा। कहने का मतलब यहां पे देखिए, बिल ये विधेयक बन जाएगा, कानून भी बन जाएगा, लेकिन ये लागू नहीं हो सकता। लागू कब किया जाएगा? जब तक यहां पे जनगणना नहीं हो जाती है और जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिए यहां पर सीटें आरक्षित करने के लिए उसके बाद नया परिसीमन क्षेत्र बनाए जाएंगे और नए परिसीमन क्षेत्र के पश्चात देखा जाए तब महिला आरक्षण बिल आपको लागू होगा। तो आरक्षण के संदर्भ में एक यहां पे जो प्रावधान किया गया है तो ये 2024 के लोकसभा चुनाव में लागू होने वाली बात भी यहां पर नहीं है, क्योंकि 2021 में देखा जाए जो जनगणना हो जानी चाहिए थी वो यहां पर अभी हुई नहीं है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो आपको जनगणना के आंकड़े अभी लेट हैं, अभी आए नहीं है, ऐसी स्थितियों में इसके बारे में जानकारी होना काफी जरूरी है। जनगणना होगी उसके बाद नया परिसीमन क्षेत्र लागू होगा, उसके बाद यहां पर होगी, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको देखा जाए तो 2029 से पहले यहां पर महिलाओं को यह आरक्षण मिलने वाला है। इसके साथ देखा जाए तो आरक्षण जो है 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया गया है और हालांकि यह तारीख तक जारी रहेगी जिसका निर्धारण संसद के किसी कानून के द्वारा लागू नहीं किया जाता। तो एक और मुद्दा जो है कि 15 वर्ष तक ही यहां पर यह महिला आरक्षण लागू किया गया है, उसके बाद क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या परिवर्तन लेकर आए जाएंगे, वो 15 वर्ष बाद चेंज भी हो सकता है। तो एक और मुद्दा जो यहां पे समझने वाली बात है। हाँ, ये जरूर कहा गया कि संसद इसे कानून जब तक निर्धारित नहीं करता तब तक ये लागू रहेगा, लेकिन यहां पर 15 वर्ष भी यहां पर आपको डाल दिया गया है।
एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सीटों के रोटेशन को लेकर भी बातें यहाँ पर की गई हैं। सीटों का रोटेशन का मतलब क्या था कि हर परिसीमन के बाद महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को रोटेट किया जाएगा, जैसा कि संसद में कानून के द्वारा निर्धारित किया गया है। अर्थात कि मतलब हर एक क्षेत्र, अर्थात कि अगर इस बार यहाँ पे जहाँ पे पुरुष होंगे नेक्स्ट चुनाव में हो सकता है वहाँ महिलाओं को कर दिया जाए, और इस तरीके से हर एक क्षेत्र में कभी ना कभी यहाँ पे महिलाओं की एक निर्वाचन क्षेत्र के रूप में उसे रोटेशन के आधार पर ले आया जाएगा। चलिए यहाँ पर इस मुद्दे को तो हमने समझ लिया, अब एक चीज और यहाँ पे समझते हैं कि कौन कौन से अनुच्छेद में यहाँ पे परिवर्तन किए जाएंगे। एक तो हमने देखा 128वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ देखा जाए तो कानून मंत्री के द्वारा बताया गया कि अनुच्छेद 334A के संशोधन के माध्यम से लोकसभा में महिला आरक्षण की अवधि जो है 15 साल होगी और संसद को आरक्षण अवधि बढ़ाने का यहाँ पे प्रावधान होगा। तो जो समयावधि की बात की गई है वो अनुच्छेद 334 में संशोधन के माध्यम से लेकर आया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 332A में देखें तो संशोधन करके राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की यहां पर बात की गई है। तो 128, 334A, 332A यहां पे संविधान में संशोधन किए गए हैं, और इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद जो लोकसभा में महिलाओं की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 181 यहां पर महिलाओं की जो आरक्षित होने के बाद जो सीटें हो जाएंगी टोटल वो इनकी संख्या रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ देखा जाए तो विधेयक में आरक्षण के संदर्भ में जो प्रावधान आपको किए गए हैं वो भी थोड़ा समझ लेने वाली बात है, क्योंकि यहां पर इसे आधा अधूरा कहने के पीछे का तर्क क्या है। देखिए, महिला आरक्षण की बात हुई तो जिस तरीके से आपको अलग अलग वर्गों को यहां पर आरक्षण दिया जा रहा है, आपको सबको आरक्षण महिलाओं के अंतर्गत दिया जाना चाहिए था, लेकिन विधेयक में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की सीटें की गई हैं, और 33% आरक्षित जो सीटें हैं इसमें अनुसूचित जाति यानी SC और ST वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। लेकिन अगर हम बात करें OBC वर्ग को, यहां पर कोई भी आरक्षण अलग से नहीं दिया गया है महिलाओं के संदर्भ में, और जो कि यहां पर देखा जाए तो विवाद का मुद्दा हो सकता है कि आपने SC ST को दिया है लेकिन OBC वर्ग की महिलाओं की आरक्षण नहीं दिया है। ना ही यहां पर देखा जाए तो दलित वर्ग की महिलाओं को भी यहां पर आपको आरक्षण दिया है, और मौजूदा नियमों के हिसाब से विधेयक परिसीमन के बाद 2029 में यहां पर लागू होगा। तो ये मुद्दे हैं जो कि यहां पर महिला आरक्षण बिल को लेकर के आपको क्वेश्चन मार्क जरूर क्रिएट करते हैं, और इसी कारण से इसे आधे अधूरे कहने की संभावना यहां पर डेवलप हुई है। इसके साथ साथ कुछ अन्य मुद्दे हैं जो कि यहां पर समझने वाली बात है, जो विचारणीय है, जिसे हमें यहां पर समझना चाहिए। सबसे पहले विधायिका जो है महिलाओं के सीटों के आरक्षण के मुद्दे की समीक्षा यहां पर 3 नजरिए से आपको कर सकते हैं। पहला, क्या महिला आरक्षण की नीति महिला सशक्तिकरण के एक प्रभावी साधन के तौर पर काम कर सकती है? अगर कर सकती है तो कैसे करेगी? दूसरा, क्या विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व बढ़ाने के अन्य वैकल्पिक तरीके भी हो सकते थे? और तीसरा, क्या बिल में आरक्षण के लिए प्रस्तावित पद्धति में कोई समस्या है? क्योंकि 2008 के बिल पर हमने एक ब्रीफ यहां पर आपको देखा है, और उस ब्रीफ के अनुसार अगर हम देखें तो अलग अलग देशों में जो महिलाओं की स्थिति है वहां पर जो आरक्षण की बात की गई है वो कई बार यहाँ पे संसद में विधानसभाओं या अन्य तरीके से यहाँ पे आरक्षण ना भी देते हुए उनको यहाँ पर आगे बढ़ाने के कार्य किए गए हैं, जैसा भारत में नहीं किया जा रहा है। जैसे आप इसे देख सकते हैं, महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर विभिन्न देशों के आंकड़े जो है सितंबर 2023 तक, यहां पर देशों के नाम है, निर्वाचित महिलाओं का प्रतिशत है, संसद में कोटा है, और राजनीतिक दलों में कोटे की बात की गई। तो देखा जाए संसद में कोटा कई सारे देशों में आपको नहीं है, जैसा कि भारत में किया था, वहां की राजनीतिक दलों में कोटे को यहां पर लेकर आया गया है, जैसा कि भारत में यहां पर नहीं है। तो ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से अगर देखें, स्वीडन में देखिए यहां पर निर्वाचित महिलाओं का यहां पर जो परसेंटेज है वो 46% है, लेकिन संसद में कोई कोटा नहीं है बल्कि उनकी राजनीतिक दलों में कोटा है। इसी तरह नॉर्वे में भी 46% है, वहां भी संसद में कोटा नहीं है, राजनीतिक दलों में है। दक्षिण अफ्रीका में देखें 45% यहां पर निर्वाचित महिलाएं हैं, संसद में कोटा नहीं है, लेकिन यहां पर महिलाओं आपको राजनीतिक दलों में है। ऑस्ट्रेलिया को देखें 38% यहां पर निर्वाचित महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, संसद में कोटा नहीं है और राजनीतिक यहां पे दलों में है। इसी तरीके से फ्रांस में 38%, जर्मनी में 35%, हाउस ऑफ कॉमन्स में 35, कनाडा में 31, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में तो आपको 29%। और इन सभी जगहों पे कोई भी देश उठाकर देख लीजिए, कहीं भी आपको संसद में कोटा नहीं है, हर जगह कहां पे है, राजनीतिक दलों में आपको कोटा है, जैसा कि भारत में यहां पे संसद में कोटा के प्रावधान किए गए हैं, जो कि यहां पर काफी एक अलग मुद्दा है। तो क्या ऐसा भी हो सकता था? एक मुद्दा ये जिसका हमने यहां पे आंसर देखा है। इसके अलावा चलिए यहां पे राजनीतिक दलों, द्विसदनी दलों में यहां पे जो एक परिवर्तन की यहां पे बात की गई है, उनके आरक्षण का किस तरीके से आपको लाभ इसमें मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखिए,
राजनीतिक दलों में, और दूसरी बात जो द्विसदनीय निर्वाचन क्षेत्रों में जो आरक्षण की यहां पर बात की जाती है उससे लाभ और हानि क्या होते हैं। सबसे पहले हम राजनीतिक दलों के अंतर्गत जो आरक्षण की बात की जाती है उसके लाभ और उसके हानि क्या है। लाभ के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे पहले मतदाताओं को अधिक लोकतांत्रिक यहां पर विकल्प मिलता है। स्थानीय राजनीतिक सामाजिक कारकों के आधार पर पार्टियों को उम्मीदवारों निर्वाचन क्षेत्रों में चुनने में अधिक यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। इसके अलावा उन क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को नामांकित कर सकते हैं जहां उनका चुनावी लाभ होगा। और चौथा कि संसद में महिलाओं की संख्या में भी फ्लेक्सिबिलिटी आती है, कभी ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। 33% होना ही यहां पर आपको जरूरी नहीं रहेगा। निर्वाचन क्षेत्रों में यहां पर लोगों के पास विकल्प होंगे कि वो महिला को चुने, पुरुष को चुने, या फिर यहां पर देखा जाए तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ महिलाओं में से किसी एक को चुनना है या सिर्फ पुरुषों में से ही किसी को चुनना है, बल्कि वहां पर अलग अलग पार्टियां अलग अलग यहां पर महिला पुरुष किसी को भी खड़ी कर सकते हैं और लोगों के पास ये विकल्प होगा कि वो किसे यहां पर चुनेंगे। उसी तरीके से हानि की अगर हम बात करें तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि बड़ी संख्या महिलाएं आएंगी, क्योंकि यहां पे कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। जैसे कि 33% अगर निर्धारित कर दिया गया, जिन क्षेत्रों में सिर्फ महिलाएं खड़ी होंगी वहां से महिला ही आएगी, पुरुष महिला के संदर्भ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि महिलाएं आए ही ना। दूसरा, निर्वाचित होंगी यहां पर राजनीतिक दल आपको सीधे आएंगी, महिला उम्मीदवारों को निर्वाचन क्षेत्रों से खड़ा कर सकते हैं जहां उनकी स्थिति आपको कमजोर होगी, जैसे वहां पर वो हार जा सकती हैं। और समायोजन के चलते कद्दावर पुरुष उम्मीदवार की जगह किसी निर्वाचन क्षेत्र में महिला को खड़ा किया जा सकता है, जो असंतोष यहां पे पैदा हो सकता है। तो इस तरीके से चीजें यहां पर आपको लाभ हानि दोनों के मुद्दे हैं। वहीं अगर हम जो भारत में राजनीतिक कह सकते हैं द्विसदनीय निर्वाचन की बात यहां पर की गई है, उसके लाभ हानि क्या है। पहली चीज, इससे मतदाताओं के लिए लोकतांत्रिक विकल्प यहां पर कम हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें महिलाओं में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। पुरुष उम्मीदवारों के साथ कोई यहां पर भेदभाव नहीं करता और सदस्यों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की विकसित यहां पर विकास करना आसान हो सकता है। उनकी औसत आबादी लगभग आपको देखा जाए जहां पे आपको 2.5 मिलियन होगी, तो इन चीजों का विकास करना आपको ज्यादा आसान होगा। लेकिन साथ ही साथ कुछ नकारात्मक मुद्दे जुड़ जाते हैं, जैसे कि मौजूदा समस्या को अपनाकर राजनीतिक आधार पर इसे साझा करना महिलाओं को गौड़ और यहां पर सहायक यहां पर बन सकती है। 33% महिलाओं के मानदंड को पूरा करने के लिए आधी सीटों के द्विसदनीय निर्वाचन यहां पर होना जरूरी है। और तीसरा, जिससे सांसदों की संख्या में 50 की वृद्धि हो जाएगी और संसद में विचार विमर्श में अधिक यहां पर कठिन हो सकता है। तो ओवरऑल प्रस्पेक्टिव को देखा जाए तो महिलाओं के आरक्षण को 33% कर देने से एक तरफ जहां मतदाताओं के विकल्प सीमित हो जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको देखा जाए लोकतांत्रिक विकल्प आपको कम होंगे। पुरुष उम्मीदवारों की यहां पे आपको देखा संख्या कम होगी, महिलाओं की संख्या आपको बढ़ती है। 33% कम से कम महिलाएं जरूर होंगी, कम क्षेत्रों में यहां पर विकास की संभावनाएं बेहतर होंगी, महिलाओं के मुद्दों को यहां पे आपको प्राथमिकता मिलेगी, जो कि एक अच्छा मुद्दा है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो यहां पर राजनीतिक दलों के आधार पर आपको जो महिलाएं हैं वो यहां पर सिर्फ सहायक और गौड़ बनी रह सकती हैं, जो दूसरों पर आश्रित रहेंगी, पार्टियों पर यहां पर निर्भर करेंगी। उनको 33% यहां पर किस आधार पर दिया जाएगा। विकास के मुद्दे जो होते हैं राजनीतिक दलों के कह सकते हैं गठजोड़ के संदर्भ में यहां पर आपको प्रभावित भी हो सकते हैं और एक राजनीतिक मुद्दा यह बनाया जा सकता है, जिसके कारण विकास संबंधित समस्याएं भी आपको उत्पन्न हो सकती हैं। तो यहां पर आपको देखा जाए ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव जो है महिला आरक्षण बिल को लेकर के जो प्रावधान यहां पर किए गए हैं। अंतिम एक टॉपिक आपको और भी यहां पर आपको बता देता हूं, 2008 और 2023 के विधान जो बिल लेकर आए गए उनमें यहां पर क्या क्या परिवर्तन है। देखा जाए 2008 में जो पेश किया गया बिल है, जो राज्यसभा में पारित हुआ था, 2023 में जो पेश किया गया बिल है, लोकसभा में देखा जाए आरक्षण की इसमें बात की गई। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक तिहाई लोकसभा सीटें महिलाओं के लिए यहां पे आरक्षित की जाएंगी। दूसरा, सीटों के रोटेशन को लेकर संसद के प्रत्येक आम चुनाव के समय विधानसभा चुनाव के बाद आरक्षित सीटों का यहां पे रोटेशन इसमें किया जाने का प्रावधान था। वहीं पे 2023 के बिल की अगर हम बात करें जिसमें महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें तो आरक्षित हैं और परिसीमन के बाद यहां पे आरक्षित सीटों का रोटेशन किया जाएगा, जो कि यहां पर आपको 2029 तक है। इसे यहां पे तुरंत लागू करने की बात की गई थी, जबकि इसे 2029 में यहां पे लागू किया जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो डेवलपमेंट है, जो चेंजेस हैं, वो हमने यहां पर देख लिए। महिला आरक्षण बिल को लेकर आपका यहां पे क्या सुझाव है, क्या आप इससे यहां पर सहमत हैं, आप बिल को लेकर आपके यहां पर क्या कहना है, वो आप यहां पर जरूर बताएं। आज के लिए इतना है, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।